इस खबर को देखने और सुनने के बाद शायद आपको कानून व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाए। बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने वाले, बेटियों के साथ हैवानियत करने वाले अगर सत्ता दल से जुड़े हैं तो क्या उनको रिहा कर दिया जाएगा? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि IIT BHU गैंगरेप मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। रेपिस्टों को रिहा कर दिया गया, अब वो आजाद है। जी हाँ, बता दें कि IIT BHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को राहत दे दी है। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी, वहीं एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तीनों आरोपी BJP IIT सेल से जुड़े हुए थे और साथ ही BJP के बड़े नेताओं के संपर्क में थे। बता दें कि IIT BHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के 60 दिन बाद लंका क्षेत्र से दिसंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपी न्यायिक रिमांड पर जिला जेल में बंद थे। उन्हें जघन्य वारदातों में शामिल आरोपियों की बैरक में रखा गया था। अब कोर्ट ने कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, वहीं सक्षम पटेल की जमानत अस्वीकार कर दी गई। दरअसल वाराणसी पुलिस ने 17 जनवरी को गैंगरेप की चार्जशीट दाखिल की थी। लंका पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर कायम कर दिया था। गैंगस्टर केस दर्ज होने के बाद लगातार उनकी जमानत याचिका खारिज हो रही थी। कोर्ट में पुलिस ने बताया था कि तीनों पेशेवर अपराधी हैं, जनता के बीच तीनों को जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। आरोपियों की रिहाई पर विपक्ष और भी तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि इस मामले में सपा ने एक्स पर लिखा कि देखो कैसे CM योगी के निर्देश पर अभियोजन की लचर पैरवी के कारण गैंगरेप के आरोपी चुपचाप से रिहा हो रहे। यही है CM योगी और उनकी भाजपा सरकार की सच्चाई और शर्मनाक चेहरा। यही है CM योगी और भाजपा की असलियत। बलात्कारी यदि CM योगी भाजपा के खास है तो उन्हें बचाती है CM योगी की सरकार। सत्ता के दुरुपयोग का ऐसा घिनौना और शर्मनाक चेहरा कभी देखा है? वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा कि IIT BHU छात्रा से गैंगरेप के दो आरोपी भाजपाई रिहा हो गए हैं। बनारस वालों, अपनी बेटियों को घरों में छुपा लो, दम हो तो बेटी बचा के दिखाओ। सपा नेता IP सिंह लिखते हैं कि IIT BHU छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत। कुणाल और आनंद 7 महीने बाद जेल से रिहा। फांसी की सजा के बजाय बलात्कारियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। तीनों बलात्कारी BJP के पदाधिकारी हैं। न्यायपालिका भाजपाइयों के लिए रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करती है। सरकार के दबाव में पुलिस ने केस कमजोर कर दिया था। ममता दीदी बलात्कारियों को फांसी देने की वकालत केंद्र सरकार से कर रही है। वही कंचन यादव लिखती है कि मैं बहुत निराश और भयभीत हूँ। राष्ट्रपति भवन को टैग करते हुए लिखती है कि IIT BHU की छात्रा से गैंगरेप करने वाले तीन आरोपी जो BJP के पूर्व नेता थे, उनमें से दो आरोपी कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान 7 महीने बाद ही जेल से रिहा हो गए। तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत अर्जी पर 16 सितंबर को सुनवाई होगी। BJP में तो बलात्कारी भी संस्कारी माने जाते हैं। कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान नहीं लेती बल्कि सीधे रिहा कर देती है। बता दें कि गैंगरेप के तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी के IIT सेल के महानगर पदाधिकारी थे। तीनों का BJP के बड़े नेताओं के साथ संपर्क था। 1 नवंबर 2023 को हुई इस घटना के बाद विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस मामले पर कानून व्यवस्था पर निशाना साधा था। वहीं अब रिहाई के बाद एक बार फिर विपक्ष BJP पर जमकर हमलावर है।